ये पता है आपके साथ होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ हमेशा हर फ्लाइट पे होता है। जब भी मैं जब सूटकेस लेने जाता हूँ तो मुझे लगता है मेरा सूटकेस आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे तो नहीं कहीं पावर बैंक मैंने गलती से रख दिया हो, कोई ड्रोन की बैटरी रख दी हो, या ड्रोन रख दिया हो। सुबह 6:30 हुए हैं और ये उठ गए, देखो बस सोने जाएंगे ना लोग। हाँ, मैं तो मेरी तबीयत खराब है, बहुत तबीयत खराब है बेटा, आज डैडी ध्यान रखेंगे। फ्लाइट लूंगा दोपहर की, मैं पहुंच जाऊंगा। अर्ली मॉर्निंग शूट है ना, बेटर है अर्ली मॉर्निंग। देख मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाऊंगा, फ्रेश रहूंगा। मुझे हुआ था यूरोप पे, अभी वो शाइनेस हो गया, सेम थ्रोट का प्रॉब्लम, अलग में लिटिल बिट ऑफ फीवर, मतलब लिटिल ज्यादा कुछ नहीं, तो टेम्परेचर चेक किया, 100 क्रॉस नहीं है, तो मैंने उसको तो आराम कर उसका क्या ध्यान रखता हूँ। ध्यान रखते रखते आई एम वॉचिंग ऑल माई फेवरेट मोटर ब्लॉग उसका वीडियो, अभी फिलहाल श्रीमान का चालू है। थैंक यू श्रीमान फॉर लेटिंग मी नो कि हम लोग हर BMW ओनर का सेम प्रॉब्लम होता है, ये रिमोट का बैटरी टूस हो जाती है। मस्त ना धो के फ्रेश हो गया मैं, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, मेरी कुछ फ्लाइट कितने बजे की देख लेता हूँ। मेरा 3:30 का बोर्डिंग है, बोर्डिंग पास आ गया मेरा, मतलब तो मुझे अराउंड 2:30 एयरपोर्ट पहुँचना पड़ेगा। इतना बड़ा बैग लेके जाके मतलब नहीं, आई थिंक वो छोटी वाली ट्रॉली लेके जाऊँगा सब काम का सामान, एक दिन का ही शूट है। सो वापसी एक दिन के लिए जाऊँ, एक महीने के लिए जाऊँ, ये वाला लेके तो जाना ही पड़ेगा। मेरा लैपटॉप बैग हो गया पैक्ड, और एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि मेरा कैमरा जो है इसके अंदर है, क्योंकि मैं ब्लॉग कर रहा हूँ अपने फ़ोन से। मुझे तामझाम चाहिए नहीं एयरपोर्ट जाने के लिए, मुझे एक्चुअली हो रहा है जेट लैग। इंडिया में जेट लैग हो गया क्योंकि वहाँ मैं सो रहा था, सुबह के 5 बजे उठ रहा था, 11-12 बजे अभी यहाँ उठ गया, और मैं 4 बजे मतलब जो मेरा सोने का टाइम है अभी मैं जाग रहा हूँ, बिकॉज मेरा शूट जो है सुबह मुझे आ गया कॉल टाइम, मेरा सुबह के 6 बजे से रात के 10 से 11 बजे शूट होने वाला है। बहुत मेहनत होती है उसके पीछे, तो इसके लिए अपन इससे फिलहाल तो जो एयरपोर्ट जाने की जाने शूट करेंगे, क्योंकि तो इससे क्या होता है ना भाई, बहुत लोग रोकते हैं, टोकते हैं, क्या कर रहे हो नज़र पड़ती है। चंडीगढ़ का टेम्परेचर चेक कर लिया, मुझे ऑलरेडी बोल दिया गया कि वहाँ बहुत मौसम ठंडा है। मैंने 2-3 साल पहले भी एक शूट किया था चंडीगढ़ थोड़ा आगे गया था, वहाँ 2 डिग्री हो गया था सुबह होते थे, वो तो प्रॉपर मैंने जनवरी में किया था। अभी 10 डिग्री हो जाएगा तो एक जैकेट लेके जाऊंगा, बिकॉज 10 डिग्री बेरेबल है। अभी मुझे पता नहीं वहाँ पर एग्जैक्टली हम कौन से लोकेशन पर शूट कर रहे हैं चंडीगढ़ में, मेरे पास अभी भी टाइम है, इज 11:35, बट मैं अभी रेडी होकर इसलिए बैठ गया बिकॉज जब स्काई और शाइनेस उठेंगे तो आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद देम बिफोर लीविंग। किधर रखो, बोथ माय स्वीटहार्ट्स आर अप राइट नाउ, इट्स 1:05 आई थिंक, एक घंटे में मैं निकल जाना चाहिए हूं। ये शाइनेस जिंजर टी पी रही है बिकॉज उसका गला जो है, कहाँ दुख रहा है तेरे को? पूरा दुख रहा है ना, बुरी तरह से। ऐसे टाइम पे छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा क्या? मैं बोलती हूँ उसको वायरल फीवर हो गया, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं है तो फीवर का एक, बट उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, और पहले यहाँ बहुत पेन था, अभी यहाँ पेन है। रिमेम्बर मैं भी कंप्लेंट कर रहा था, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया यहाँ पे, कैन मीन मूव एंड देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर इन माय ओर। अब ऐसे टाइम पे शाइनेस को छोड़ के आने का मन तो नहीं कर रहा है, बट काम के लिए जाना तो पड़ेगा। बट शाइनेस बोल रही, शाइनेस संभाल लेगी, मैंने उसको बोला कि अपनी मम्मी को बुला ले, बट उसकी मम्मी बिजी है, तो अगर आती है तो अच्छी बात है, मैं तो निकल जाऊंगा। और एक न्यूज़, हम बैड न्यूज़ सबको मिली है हमारे डॉक्टर से, डोंट वरी, कुछ इतनी बैड न्यूज़ नहीं है। हमको साफ साफ स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि स्टॉप ट्रैवलिंग द वे वी ट्रैवल, मतलब ऐसा एग्जर्ट मत करो अपने आप को, स्पेशली शाइनेस और स्काई के लिए। अपना तो चलता है, मेरे को भी वार्निंग आई है, बट अपन आदमी लोग संभाल लेते हैं, लेकिन शाइनेस के अभी डिलीवरी होकर 1 साल भी नहीं हुआ, इतना घूम रहे हैं। देखो साल में एक बार कहीं जाना ठीक है, बट बार 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 घूमना, और गाड़ी से को गाड़ी से आपको लगता है बहुत कंफर्टेबल जाता है, ऐसा नहीं होता है, एक जगह बैठे रहना पड़ता है, मुंडी घुमा नहीं सकते, और बाइक पर जाएंगे तो फिर वो वेदर फील होता है। फ्लाइट से भी सेम प्रॉब्लम होता है, तो भाई एक बार जाके आओ, बाद में आराम करो। और अभी शानिस को साफ साफ बोला है 1-1.5 महीने तक किधर नहीं जाना, मुंबई में रहना है। शानिस को बोल मैं जा सकता हूँ, बाय, टेक केयर। एकदम सिंपल गेटअप, थोड़ी ठंडी है तो उसके लिए फुल स्लीव टी शर्ट पहन लिया है मैंने, और ये लैपटॉप बैग, और ये पिन चाहिए क्या? ऐसा लगता है लेट हो गया हूँ, 2:40 है, 1 घंटे में बोर्डिंग है। देखो मेरा जल्दी जाने की आदत है ना, थोड़ा भी लेट होना तो प्रॉब्लम होता है। लेट हो गया भाई, भागना पड़ेगा, फ्लाइट में छोड़। भाई साहब मेरा बड़ा पोपट हो गया, मैं जा रहा हूँ इंडिगो से, और चले गया मैं गो फर्स्ट के काउंटर पे। बोलते सर यू आर गोइंग फ्रॉम इंडिगो, एंड आई नो, बट मेरा दिमाग ख़राब हो गया था इसलिए, एंड टू माय लक नो लाइन बच गए। तो मैं एयरपोर्ट पहुँचा 3 बजे, मैं गोहेर के काउंटर पे था 3:10 को, मुझे लगा मुझे लेट होगा, इंडिगो में लाइन बिल्कुल नहीं थी, 3:15 तक हो भी गया, और वहाँ से आता 5 मिनट में सिक्योरिटी क्लियर करके आ भी गया, बोर्डिंग शुरू भी नहीं हुई ऑब्वियसली।
बेसिकली T1 में जब ऊपर आते हो तो आपको एरो ब्रिज मिलता है, अगर नीचे जाओगे तो फिर बस लेके जाएगी किधर एयरक्राफ्ट की तरफ। बोर्डिंग हैज स्टार्टेड, लेट्स स्टैंड इन द लाइन। एक्चुअली मेरी सीट आ गई थी बट किसी को बैठना था, आई डोंट नो प्रॉब्लम, तो कैबिन बोर्ड ने मुझे इमरजेंसी एग्जिट पे बैठा दिया और ये पूरा अपना खाली है, मजा नहीं लगा, सो गई जाना है। चंडीगढ़ आ गए हैं और ये रही हमारी फ्लाइट, और अभी हम लोग जा रहे हैं चल के, बिकॉज इधर ही है तो बस का क्या काम काय को पेट्रोल वेस्ट करने का। भाई ये होती है ठंडी, जैसे विंटर, मतलब यहाँ पर नॉर्थ में विंटर चालू होता है ना, मज़ा आता है देख के यार, कसम से। आई होप थोड़े दिन में मैं बाइक से भी आऊँ चंडीगढ़, ऐसा प्लान है, होपफुली हो जाए, फिंगर्स क्रॉस्ड। वो तेरी पीछे गाड़ी आ रही है ढूंढ लाने में, उसको ऑटो ऑटो रोड पर। साला पूरी फ्लाइट नींद नहीं आई भाई साहब, या आपके साथ भी होता होगा, पूरी फ्लाइट नींद नहीं आई। मैं एक्चुअली कार्तिक इंटू फिर से दिख रहा था और जैसे ही टॉप ऑफ डिसेंट आया वो टाइम मेरी आँख लगी, वाइब्रेशन से उठ गया। इतिहास गवाह है, जो पहले आता है उसका बैग काफ़ी लेट आता है, बट चलो कोई नहीं, सब लोग वेट कर रहे हैं, तुम्हारे भाई का बैग आ गया, भले 10 मिनट लगे, अभी बाहर हमारे टैक्सी ड्राइवर वेट कर रहे रहेंगे। भाई क्या वेदर है चंडीगढ़ का, मज़ा आ गई भाई बाहर आके, और धीरे धीरे अभी देख फ्लाइट से आया थोड़ा गर्म लग रहा था, अभी धीरे धीरे ठंडी फील हो रही है, लगना शुरू हो गई है, और हमारे टैक्सी वाले भी आ गए। मुझे पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ हमेशा हर फ्लाइट पे होता है, जब भी मैं जब सूटकेस लेने जाता हूँ तो मुझे लगता है मेरा सूटकेस आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे उसने कहीं पावर बैंक मैंने गलती से रख दिया हो, कोई ड्रोन की बैटरी रख दी हो, या ड्रोन रख दिया हो, और किसी ने मतलब उतना सूटकेस चढ़ाया ही नहीं, ऐसा होता नहीं, यूजली कॉल करते हैं, बट मैं कभी भी एयरपोर्ट पर फ़ोन उठाता ही नहीं, बिसाइड माई मॉम एंड शैनल, कभी फ़ोन नहीं उठाता, तो वो मुझे डर हमेशा लगा रहता है। एनीवेज अभी होटल जाते हैं और ब्रीफिंग होगी और फिर सो जाएंगे। ये आ गया यहाँ पे, अब यहाँ से 15 से 20 मिनट की जर्नी है मेरे होटल के लिए, तो अपन थोड़ा पावर नैप ले लेंगे। सोने का बड़ा भयंकर मन कर रहा है लेकिन सो नहीं सकता, हैव टू वेट फॉर एवरीबॉडी टू कम एंड डू द मीटिंग एंड देन आई एम गोना स्लीप। वैसे भी ज़्यादा लेट हुआ नहीं है, मुझे ना डॉक्टर की बात सीरियसली लेनी पड़ेगी, आई थिंक ना चाहते हुए भी एटलीस्ट 1 या 2-3 दिन का मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, वेर आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट लाइंग डाउन, बिकॉज ज़रूरी है। एंड आप मानोगे नहीं, मैंने अभी तक चेक ही नहीं किया मैं कौन से होटल में हूँ, मैं टैक्सी में बैठा, आई वाज लुकिंग एट माय फोन, आई ट्राई टू स्लीप, नहीं हुआ, और मैं लॉबी में आया, मैंने अपना नाम दिया और मैं सीधा ऊपर आया, अभी तक मुझे पता ही नहीं मैं कौन से होटल में हूँ। आप बैठ के हालत देख सकते हो, मैं थोड़ा सो गया था, अच्छा वो फोन लाउड में रख के सोया, बिकॉज मेरी आँख लग गई थी, फोन आया, नीचे गया, मीटिंग की, और जैसे मैंने दाल चावल का पहला कस्सा खाया मेरे को समझ गया था भाई कि मुझे तुरंत सोना है, मैं ऊपर आया और मैं अभी सोने जा रहा हूँ। गाइस थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल हियर, इफ यू एंजॉयड दिस ब्लॉग व्हाट्स द रीजन, डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर विद अस एज ऑलवेज, शुक्रिया विद द मास्टर, मैं टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू आर, माय लवली फ्रेंड्स, आई डू द मोस्ट, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।